दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हो, इलेक्ट्रिकल काम करते हो, फिर चाहे वो प्रोफेशनली हो या फिर किसी हॉबी के रूप में हो, एक अच्छा क्लैंप मीटर जो है वो आपके पास में होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कौन से वो बढ़िया क्लैंप मीटर हैं जो कि लेने लायक हैं, और ख़ासकर ये बात हम करेंगे कि कौन से क्लैंप मीटर जो हैं वो आपको अवॉइड करने हैं, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स क्लैंप मीटर खरीदते वक्त हम करते हैं। और गाइज, वैसे भी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर साल के सबसे बड़े धमाकेदार जो सेल है वो लॉन्च हो चुके हैं, तो इन सेल का जो फ़ायदा है वो आप अवश्य उठाइए। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर आपको अवॉइड करने हैं। अब गाइज, जनरली जो है कुछ इस तरह के सस्ते मल्टीमीटर आपको बाज़ार में मिलते हैं, इनकी तरफ तो आज हम देखेंगे भी नहीं, सीखने के लिए ठीक है, बाकी इस तरह के मल्टीमीटर से आप क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्या ही एक्यूरेसी और फीचर्स जो है इनके अंदर आपको मिलेंगे। तो आइए ये जो सेक्शन है इसको हम कम्प्लीटली स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है गाइज इस तरह का क्लैंप मीटर, और यहाँ पे है ना गाइज काफ़ी सारे लोग जो हैं ये फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो क्लैंप मीटर है ये आपको दिखने में आकर्षक लगते हैं, इसके अंदर कई सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन एक गलती हम कर बैठते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है थोड़ा सा शब्दों का खेल। अब यहाँ पे लिखा है कि डिजिटल क्लैंप मीटर एम्पियर एसी डीसी वोल्टेज, समझ में आया आपको? मतलब यहाँ पे जो क्लैंप है गाइस ये एसी के एम्पियर जो है ये नाप सकता है, लेकिन डीसी के एम्पियर ये नहीं नाप सकता, डीसी के जो है ये सिर्फ वोल्टेज ही नाप सकता है। तो जनरली गाइस क्या होता है कि इस तरह के जो सस्ते क्लैंप मीटर हैं ये लोग खरीद लेते हैं, और फिर उससे हमारे सोलर पैनल या फिर जो बैटरी सिस्टम है वहाँ पे जाके एम्पियर नापने की कोशिश करते हैं, और फिर आके मेरे चैनल के ऊपर या मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आके कमेंट करते हैं कि सर मेरा जो क्लैंप मीटर है ये सोलर पैनल के तो एम्पियर बता ही नहीं रहा। तो कैसे बताएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो इस तरह के क्लैंप मीटर होते हैं गाइज इसके अंदर ये त्रुटि होती है। मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ, ये मैस्टेक का है। तो इन्होंने यहाँ पे जो शब्दों की रचना है वो थोड़ी अच्छी लिखी है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है एसी और डीसी का वोल्टेज जो है ये नाप सकता है, लेकिन जो करंट है मतलब जो एम्पियर है ये एसी का नाप सकता है। तो ऑफकोर्स अगर आप ऑटोमोटिव काम करते हैं, बैटरी से रिलेटेड काम करते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं बैटरी के, ठीक है, या फिर सोलर सिस्टम अगर आपके घर पे लगा है या फिर आप लगवाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो क्लैंप मीटर है इसको टोटली आप अवॉइड कीजिए, ये क्लैंप मीटर आपके बिल्कुल भी कोई काम नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में जो भी हम क्लैंप मीटर सजेस्ट करेंगे गाइज ये ट्रू RMS और दोनों AC और DC करंट को नापने वाले होंगे। आइए बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है दैट इज मैस्टेक MS2101। ये मल्टीमीटर आपने मेरे वीडियोस में कई बार देखा होगा, मैं रेगुलरली इसको यूज़ करता हूँ। मैंने तो खैर काफ़ी पहले जो है इसको लिया था, 2006 में लिया था, आप गणित कर लीजिए करीब करीब 17 साल पुराना मीटर है, और आज भी ये जो मल्टीमीटर है या क्लैंप मीटर आप कह सकते हैं ये काफ़ी हाई डिमांड के अंदर है, आज भी अच्छा एक ऑप्शन आपको मिलता है। अब ये जो क्लैंप मीटर है गाइज इसके जो फीचर्स हैं ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हम एक एक फीचर पढ़ने में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। 1000 एम्पियर तक ये दोनों एसी और डीसी करंट नाप सकता है। इसके अलावा इस तरह के क्लैंप मीटर में जो छोटे मल्टीमीटर होते हैं उसके सारे आपको फीचर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वोल्टेज नाप सकते हैं, अगेन एसी एंड डीसी। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, इसके अलावा डायोड होता है, कंटिन्यूटी टेस्ट हो गया, ये सारे फीचर जो है आपको ये मिल जाते हैं। तो ये जो मल्टीमीटर है गाइज इनके अफिलिएट बाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए हैं। आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी क्लैंप मीटर पसंद आ जाता है तो उसे खरीदने के लिए मेरे अफिलिएट लिंक का इस्तेमाल करके मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो गाइज ये हो गया मैस्टेक का क्लैंप मीटर, इसका जो डेटा शीट वगैरह है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओवरऑल काफ़ी अच्छा हैवी ड्यूटी क्लैंप मीटर है, काफ़ी बड़े साइज का है, हैवी ड्यूटी है। क्लैंप मीटर में आपको एक बात ध्यान रखना है कि क्लैंप के ऊपर जब भी आप करंट मेजर करते हैं, ठीक है, जब भी एम्पियर मेजर करते हैं तो कम से कम वहाँ पे 3, 4, 5 एम्पियर होने चाहिए, तब इसकी जो एक्यूरेसी है ये ठीक होती। अब ये जो है किसी पर्टिकुलर क्लैंप मीटर के अंदर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, बाय डिज़ाइन आप कह सकते हैं। इन जनरल जो क्लैंप मीटर के ऊपर जब करंट नापा जाता है तो कम से कम वहाँ पे 3-4 एम्पियर जो है होने चाहिए। अगर आप बहुत ही कम करंट नापने की ट्राई कर रहे हैं, जैसे आप 0.5 एम्पियर नापने की ट्राई कर रहे हैं, तो इस तरह के क्लैंप मीटर के अंदर आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। फिर उसके लिए आपको वही वायर वाला जो मेथड आता है, मल्टीमीटर से वायर लगा के जो करंट नापने का तरीका है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपका करंट 1 एम्पियर 2 एम्पियर से कम है तो वायर वाला आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी 3-4 एम्पियर के ऊपर इनकी जो एक्यूरेसी है ये अच्छी होती है। तो ये हो गया मैस्टेक। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, दिस इज मेट्रावी DT 725। ये एक पॉकेट क्लैंप मीटर है,
दिखने में आपको यहाँ पे बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जब ये प्रोडक्ट डिलीवर होता है तब ये बड़ा छोटा सा क्यूट सा मीटर डिलीवर होता है। कई लोग मुझे मैसेज करके बताते हैं कि सर ये देखो इतना छोटा मीटर है, तो इसको पॉकेट में लेके भी घूम सकते हैं। प्राइस यहाँ पे बहुत ही अच्छा आया है गाइज अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में। जनरली ये जो मीटर है ये 3100 3200 के आसपास जो है ये चलता है, लेकिन 3000 से नीचे जो है आपको यहाँ पे प्राइसिंग अवेलेबल हुआ है। कार्ड डिस्काउंट लगा के हो सकता है और भी सस्ते में आपको ये मिल जाए। अब यहाँ पे इसका जो साइज़ है गाइज ये छोटा है, तो इसको ये मत समझिए कि इसमें फ़ीचर्स भी कम होंगे। इनफैक्ट इसके अंदर वो सारे फ़ीचर्स मौजूद हैं जो पहले हमने मैस्टेक के मीटर में देखे थे। इसके अलावा एक दो फीचर इसमें ज़्यादा ही हैं। तो क्या क्या आपको फ़ीचर ज़्यादा मिलते हैं देखिए। तो यहाँ पे एक अच्छा फीचर इसका मुझे अच्छा लगता है, दैट इज़ इसका नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, NCV वोल्टेज। गाइज क्या होता है, कई बार हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट रिपेयर कर रहे होते हैं या कोई जो बोर्ड है उस पर वायरिंग कर रहे होते हैं, और वहाँ पे हमें देखना होता है कि ये बोर्ड के अंदर कहीं करंट तो चालू नहीं है, कहीं इसमें फेज तो नहीं आ रहा है। तो वायरों को बिना काटे वायरलेसली जो है आप ये NCV का फीचर यूज़ करके सिर्फ आपको ये मीटर पास में जो है लेके जाना है, और यहाँ पे बीपिंग बजर वगैरह का साउंड आने लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि इस बोर्ड में करंट जो है वो कहीं ना कहीं से दौड़ रहा है। तो ये एक सेफ्टी फीचर बहुत अच्छा है, टेस्टर जैसा आप कह सकते हैं, लेकिन वायरलेसली काम करता है वायरों को बिना काटे, तो ये अच्छा है। बाकी इसमें वो तमाम सारे फीचर्स जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे फीचर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर मेजरमेंट हो गया, उसके अलावा वोल्टेज हो गया, करंट, कैपेसिटेंस, ये सब जो है आप मेजर कर सकते हैं। छोटे साइज़ का मल्टीमीटर है, बड़ा धमाका है। कम प्राइस में अगर आपको लेना है तो अफिलिएट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अब ये जो क्लैंप मीटर है गाइज ये आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर भी मिल जाता है, लेकिन फ्लिपकार्ट के ऊपर हल्की सी जो इसकी प्राइस है वो ज़्यादा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो मीटर है इसको अमेज़ॉन से परचेस करें। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा पसंद आता है तो आप यहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मैंने पिक किया है, ये है मैक्सटेक का DT36T। ये भी एक ACDC ट्रू RMS क्लैंप मीटर है, और ये खास उन लोगों के लिए है जो बहुत ही लिमिटेड बजट के साथ में आए थे। फॉर एग्जांपल वो कोई इस तरह का मीटर देख रहे थे, भाई 1200 रुपए का हम मीटर ले लेंगे, या जिन्होंने कुछ इस तरह के मीटर लेकर जो है फंस गए हैं, मीटर इन्होंने खरीद लिया है लेकिन DC एम्पियर मेजर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उन्हें पता नहीं था कि जो सस्ते मीटर हैं वो AC DC डबल नहीं होते। तो इस तरह का मीटर अगर आपने ले लिया है तो आप इसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल लोएस्ट बजट के अंदर जो है ये आपको क्लैंप मीटर मिलता है, दोनों AC और DC यहाँ पे जो वोल्टेज है वो नाप सकता है। सिर्फ 2200-2300 रुपये का मीटर है गाइस, इतने बजट के अंदर है ना। पहले मुझे याद है नॉर्मल जो मल्टीमीटर आते थे बिना क्लैंप वाले वो खरीदते हम, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्राइस ड्रॉप आपको मिला है। फीचर यहाँ पे सारे मिलते हैं, NCV मतलब नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज का भी फीचर मिलता है, एम्पियर आप यहाँ पे देख सकते हैं, AC DC दोनों हैं। इसके अलावा ड्यूटी साइकिल, फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस, डायोड, रेजिस्टेंस, लोजी, ये जो होता है ये लीकेज करंट नापने के लिए होता है, किसी अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पे वोल्टेज तो आप नाप ही सकते हैं, बैकलाइट भी है, टॉर्च भी है, मतलब फुल यहाँ पे जो फीचर हैं वो दिए हैं, वो भी कम बजट के अंदर। एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो क्लैंप मीटर है गाइज इसकी जो एक्यूरेसी है वो मीडियम रहेगी, बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं कहूँगा और बहुत कम भी नहीं करूँगा, क्योंकि इसके अंदर जो एम्पियर के अंदर जो डिजिट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिलता है, जो डेसिमल प्लेस है वो आपको एक मिलता है। वहीं पे अगर आप ये वाला मीटर लेते हैं तो यहाँ पे जो आपको डेसिमल पॉइंट मिलता है एम्पियर नापने के लिए, ये 2 डेसिमल पॉइंट मिलता है, तो एक्यूरेसी का थोड़ा उतना फ़र्क रहेगा। ऑफकोर्स बजट कम है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर मीटर खरीद रहे थे मल्टीमीटर, ठीक है, तो उसके अलावा ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है कम्पेयर टू ए नॉर्मल मल्टीमीटर। आइए अभी हम बात कर लेते हैं गाइस एक और बढ़िया प्रीमियम क्लैंप मीटर की, ये है काइविट्स का 208D इनरश क्लैंप मीटर। अब आप कहेंगे सर ये इतना महंगा क्लैंप मीटर आप क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, भाई 5-5.5 हज़ार रुपये का है तो इसमें क्या खास बात है। देखिए इसमें जो बेसिक फीचर्स हैं वो वही है जो हमने पहले डिस्कस किए थे, ठीक है, यहाँ पे आप डायल पे देख सकते हैं, भाई एम्पियर है, फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज है, ओम्स है, मतलब रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा अलग मिलता है, रिवर्स डिस्प्ले है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ये रिवर्स डिस्प्ले ज़्यादा पसंद आए, दिखने में कूल लगता है थोड़ा सा, तो ब्लैक यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर वाइट फॉन्ट आती है। बाकी यहाँ पे जो रेगुलर जो भी फीचर्स होते हैं वो हैं, एक खास फीचर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, दैट इज़ इनरश करंट। गाइस क्या होता है कि कई बार जब हम घर पे सोलर सिस्टम की साइजिंग कर रहे होते हैं या फिर हमें कोई इन्वर्टर लेना होता है, तो वो जो इन्वर्टर होता है वो हम देखते हैं हमारे घर पे, भाई सबसे बड़ा लोड कौन सा है,
वो जनरली होता है हमारे पास में कोई ऐसा एसी होता है या फिर कोई पानी की मोटर होती है, उसके नेम प्लेट के ऊपर लिखा होता है कि भाई ये 1000 वाट की चीज़ है, ये 1500 वाट की चीज़ है, और उस हिसाब से हम इन्वर्टर या फिर हमारा जो भी सोलर पीसीयू लेना होता है उसको खरीद लेते हैं। और फिर खरीदने के बाद में हम वो पानी की मोटर उसके ऊपर स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं और हमारा जो इन्वर्टर होता है या हमारा जो ऑफ ग्रिड पीसीयू होता है वो ट्रिप हो जाता है। क्योंकि इस तरह के जो मोटर्स हो गए, कंप्रेसर हो गए, ठीक है, ये इंडक्टिव लोड जो होते हैं जब ये स्टार्ट करते हैं तब ये एक तरह से जर्क लोड कहते हैं, जिसे कहते हैं इनरश। तो ये जो क्लैंप मीटर है इसका हाईलाइट पॉइंट है गाइस इनरश करंट। तो एसी वोल्टेज के लिए जब आप इसको मेजर करेंगे तो इसमें इनरश का एक फीचर जो है ये अवेलेबल हो जाएगा। तो ये मीटर लगा के आपके जो भी बड़े कंप्रेसर हैं, जो भी बड़े मोटर हैं, वाटर पंप है, उसको स्टार्टअप के लिए कितना लोड लगता है, इनरश करंट कितना लगता है, वो आप मेजर कर सकते हैं। और इसके हिसाब से अगर आप आपका सोलर सिस्टम या फिर इन्वर्टर लेते हैं तो उसकी जो साइजिंग होगी, जो कैपेसिटी होगी, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, वो फेल नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है आपके होम अप्लायंसेस का इनरश करंट मेजर करके एक वाइज डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। आज के इन कंप्लीट मीटर्स में से मुझे अगर कोई क्लैंप मीटर लेना होता तो शायद मैं जो है यही वाला लेता। वैसे सभी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आपको जो पसंद आता है वो आप जाके ले सकते हैं। गाइज इसी तरह से मल्टीमीटर से रिलेटेड मैंने कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना रखे हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कई सारे कार्ड्स आ रहे होंगे, आप इन कार्ड को डायरेक्टली फिंगर से क्लिक करके मल्टीमीटर के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइज, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।